हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे ड्रीम फोक्स सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी के थोड़ा बहुत नंबर्स और फिर आते हैं चार्ट्स पे और डिसाइड करते हैं कि किन लेवल्स के अंदर हम लोग इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। एक बार पहले भी हम लोग ने इसके अंदर स्विंग ट्रेड वाइज एक परचेज किया था, इसके अंदर बाइंग की थी इसके अंदर, बट उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वहां से एग्जिट करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। बट उस लेवल से हम लोग को दोबारा कोई ट्रेड मिली ही नहीं, तो वहां पे दूसरी ट्रेड उस वाले में बनी नहीं थी। तो एक बार और मौका देते हैं कंपनी को, फिर से देखते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं चार्ट्स पे। ठीक, तो यहाँ पे मार्केट कैप वाइज देखेंगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक की वैल्यूएशन हायर साइड पे है, इसलिए इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा इसके अंदर दूर रहेंगे हम, क्योंकि कंपनी अभी सोना BLW वाली प्रिसीजन वाली जो वीडियो डाली आज ही देख है ना, उसमें बताया कि कैसे जब कंपनी की PE 100 मल्टीपल्स को ऊपर चली जाती है तो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी से सेल्स ग्रोथ के अंदर, अर्निंग्स ग्रोथ के अंदर, वो जब नहीं मिलती है तो कंपनी धूम धड़ाम गिर जाती है अचानक से। तो यहाँ पे देखेंगे सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की उतनी नहीं है, बुक वैल्यू करंट प्राइस में भी इतना डिफरेंस है यहाँ पे। स्टॉक की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल हालांकि अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे यहाँ पे अच्छी है, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है यहाँ पे, देखना पड़ेगा यार दो। अच्छा, यहाँ मार्जिन पहले नेगेटिव थी, इधर भी नेगेटिव से इधर पॉजिटिव में आई, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये ट्रैप में मत फंसना कि यहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखनी है, वो मार्जिन पॉजिटिव से सॉरी नेगेटिव से जीरो और जीरो से फिर पॉजिटिव की साइड आई है, वो कोविड ईयर्स था हो सकता है इसलिए भी नेगेटिव रही हो। और कोविड ईयर से इम्पैक्ट कैसे पड़ा इस कंपनी में वो भी जान लो। तो कंपनी क्या करती है, ये लाउंज एक्सेस देती है एयरपोर्ट्स पे, और एयरपोर्ट्स पे इनका देखेंगे तो मार्केट शेयर जो है वो 95% है, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं मोनोपोली है। तो ये मोनोपोली होने के रीजन से एक और प्रॉब्लम निकल के आती है कि मोनोपोली बिजनेसेस के इंडस्ट्री पी और स्टॉक की पी कंपेयर नहीं की जा सकती है, इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि उनके इंडस्ट्री में और कोई है ही नहीं, तो किससे कंपेयर करोगे भाई। लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर देखो तो फिर भी स्टॉक की वैल्यूएशन 100 के ऊपर एक्सपेंसिव ही होती है। यहाँ पे देख लिए हम लोग अगर डेट और रिजर्व, तो कंपनी की डेट बहुत कम है, ना के बराबर है, रिजर्व्स भी ना के बराबर है, रिजर्व्स बढ़ाने की जरूरत है इनको। और सेल्स देखें तो सेल्स यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, 2021 में कम हुई थी, हालांकि देखेंगे इसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, अब देखते हैं कहाँ तक बढ़ती है सेल्स, फिलहाल अभी देखेंगे। प्रॉफिट यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो इनका था वो 32 का है, अभी फिलहाल उसका आधा है यहाँ पे, तो यहाँ भी इम्प्रूवमेंट की स्पेस है यहाँ पे फिलहाल। अगर कैश फ्लो की वाइज बात करें, कैश फ्लो वाइज फिलहाल ऑपरेशन से नेगेटिव है, मतलब जो मेन चीज कहते हैं जो ऑपरेशन है, मतलब जो कंपनी का कोर बिजनेस है उससे कम से कम कैश जनरेट होना चाहिए। हालांकि प्रीवियस टाइम से इन्होंने जनरेट किया है कैश अपने बिजनेस से, बहुत मिनिमम था, हालांकि कंपनी भी छोटी है तो बहुत इतना मतलब 1000-2000 करोड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहना चाहिए कंपनी को। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 67%, FIs की 11, DIs की 7 और पब्लिक की 14। कुछ पुराने डेटा नहीं है तो वहां से कंपेयर नहीं कर सकते, हालांकि इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर्स की होल्डिंग मेजर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पिछली बार देखेंगे हम लोग इस वाले रीजन में बाइंग किए थे, इसको एक कप एंड हैंडल रीड करते हुए इसके अंदर बाइंग भी मिली थी हम लोग को, लेकिन नेक्स्ट डे ही देखेंगे तो यहाँ से नीचे आ गया और स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हो गया। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी हम लोग उसको प्राइस एक्शन वाइज थोड़ा सा और मिल रही है, हालांकि वैल्यूएशन कंपनी की थोड़ी सी हायर साइड पे, लेकिन अगर थोड़ा देखें हम लोग फंडामेंटली तो कंपनी इतनी बेकार भी नहीं है। तो फिलहाल अभी हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बनने की चांसेस है। डबल बॉटम किस केस में कह रहे हैं कि ये पूरा ये W पैटर्न बन सकता है, तो यहाँ पे हम लोग को अर्ली एंट्री का मौका मिल सकता है। और इस केस में हम लोग करेंगे क्या, बाइंग करेंगे इन लेवल्स के ऊपर, यहाँ पे बेस पे देखेंगे तो एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है छोटा सा, यहाँ पे देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है छोटा सा, तो अगर इन लेवल्स के ऊपर आ जाता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग कर लेंगे। टारगेट रखेंगे 454 के और दूसरा टारगेट रखेंगे ऑल टाइम हाई का, तो ये अपने दो टारगेट्स होंगे। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ऑल टाइम हाई के पास जाने के लिए, बस रीजन ये है कि कंपनी की वैल्यूएशन, अगर अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही होती तो क्या ही बात थी। तो एक चीज और देखना होगा, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था ना, इस चीज को इस बार मत मिस करना अगर पिछली बार मिस कर दिया था। अगर यहाँ पे देखोगे, अगर ये चीज यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखो तो कंपनी के यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आया है। तो जब जब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं होती कंपनी के अंदर, जब ब्रेकआउट होता है नोटिस करना है, कभी आप लोग चार्ट उठा के देख सकते हो, अगर आप लोग चार्ट देखते हो तो प्लीज चार्ट देखना। तो चार्ट जब भी ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट फेल मेजर रीजन ही होता है,
जब ब्रेकआउट होता है और वॉल्यूम नहीं आती तो कंपनी वापस नीचे चली जाती है। ये एक नेचर होता है चार्ट का, हमेशा चार्ट पे ब्रेकआउट जब हो तो उसके पास वॉल्यूम देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर वॉल्यूम नहीं है तो बेशक कंपनी नीचे आएगी, ये तो तय है। तो यहाँ पे सेम रीजन, कंपनी नीचे आ गई क्योंकि वॉल्यूम नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे वॉल्यूम फिर से नहीं आएगी तो बाय करने की जरूरत नहीं है, उस केस में इग्नोर कर देना। और जो आधी वीडियो देख के भाग गए उनको लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पे अगर वॉल्यूम नहीं आता है तो इसके अंदर बाइंग मत करना, इग्नोर कर देना। एक बार मतलब एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए खरीदना है तो वही 10% 20% कैपिटल लगा के आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो हम कहेंगे एक बार अगर चेक करना चाहते हो तो कर लिया करो, छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ऑब्जर्व करना भी एक एक्सपेरिमेंट है। वॉच लिस्ट में ऐड करो, वॉच लिस्ट में ऐड करके देखो, कुछ दिन फॉलो करो, देखो वॉल्यूम नहीं आती है कंपनी की, कभी कभी फॉलो अप वॉल्यूम मिल जाती है, मतलब जिस दिन ब्रेकआउट मिलता है उस दिन हल्की वॉल्यूम रहती है, नेक्स्ट डे वॉल्यूम आ जाती है। लेकिन फॉलो अप अगर वॉल्यूम नहीं मिल रही है तब कंपनी बेशक गिरेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, अगर वॉल्यूम नहीं आती है अगर इसके बाद भी ब्रेकआउट होने के बाद भी तो फिर से एक फॉल देखने को आपको मिल सकता है। तो ये चीज आपको नोटिस करना होगा, एक तरह से कह लो आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ चलेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन वाली नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और अपना कैपिटल सेफ रखना। ओके बाय।